चुनाव में मुद्दा होना चाहिए एजुकेशन का, यूनिवर्सिटी का मुद्दा होना चाहिए, ये सब मुद्दे होने चाहिए। बाकी मेरी तरफ से तो यही होना चाहिए, लाइक हमारे मेवात की रोड्स हैं, रोड्स अच्छे हों, स्कूल्स में टीचर्स नहीं हैं, टीचर्स होने चाहिए प्रॉपर स्कूल्स में, ये सारा मेन मुद्दा होना चाहिए। पर पब्लिक तो अभी कुछ देख ही नहीं रही है मुद्दे, वो तो बस उस पर कर रही है वोट। तो सरकार तो कहती है कि नू मेवात के इलाके में बहुत काम किया है, बहुत बदलाव किया है। कहाँ काम किया आपको, कहाँ वो काम दिख रहा है बताओ? हमारी कब से यूनिवर्सिटी की मांग है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं हमारे लिए, स्कूल्स में टीचर नहीं है आपको, प्राइमरी लेवल पे आपको एक टीचर मिलेगा स्कूल में, वो भी सो रहा है, कहाँ कौन सी वो पूरी करिए? 4 लेन रोड के लिए बोला, रोड तक अभी तक नहीं बन पाया, दंगे दिए उन्होंने काम के नाम पर, हमें दंगे दिए, हमारे कम से कम हजारों युवा जेलों में सड़ रहे हैं, ये काम दिए उन्होंने, क्या क्या काम किया मेवात के लिए? तो किससे उम्मीद है? उम्मीद तो कुछ नहीं, देखो कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी किया, उसमें उन लोगों ने साफ लिखा है कि मेवात अगर हमारी गवर्नमेंट आती है तो मेवात के लिए यूनिवर्सिटी देंगे। अभी हमारे पास कोई और ऑप्शन तो है नहीं, कांग्रेस बीजेपी ही है और स्ट्रॉन्ग पार्टी भी दो ही है अपना हरियाणा में, और किसी की सरकार भी नहीं बनेगी, तो ऑब्वियसली कांग्रेस को ही जानी चाहिए, क्योंकि बीजेपी को ऑलरेडी 10 साल दे चुके हैं, उसने कुछ किया नहीं मेवात के लिए। तो घोषणाओं पर भरोसा है कांग्रेस पे? देखो कांग्रेस आनी चाहिए उस पर भरोसा है, और मेरे हिसाब से तो आ भी रही हरियाणा में, तो यूपी में अपना रहता है, अखिलेश का बोल चलता है, क्या धर्म के नाम पे क्या वोट दोगे आप? क्या आप अपनी, आप कहाँ से हो? यहाँ क्या कर रहे हो? गाड़ी पे जा रहे हैं। अब बताओ वहाँ से आपको इतना मजबूर हो के यहाँ पे नौकरी के लिए आना पड़ रहा? वहाँ पे काम तो कुछ है, तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, तो अब यहाँ वहाँ भी बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार बनी रहे उससे हमें फर्क नहीं, वहाँ तो अपना ही डंका चलेगा, उनका सीधा क्लियर है, हमें एजुकेशन और जॉब से कोई मतलब नहीं, हमें बस धर्म के नाम वोट देनी और कुछ नहीं। ऐसा क्यों है? ब्रेन वॉश हो रखा है ऑलरेडी, बताओ जिसके हमारे यहाँ तो साइकिल है, हम तो यूपी से हो, मैं तो ठीक है, आप कहाँ से हो भैया? धोज से। अच्छा, क्या है यहाँ चुनाव का माहौल? यार ही पता, मैं जा रहा हूँ अभी। देखिए बड़ा दिलचस्प था, और जब हम बात कर रहे हैं उस बात करते करते आप देखिए कि यहाँ पर बहस छिड़ गई है धर्म के नाम पर, एक भैया यूपी के हैं, एक भैया हरियाणा के हैं, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर इनको भरोसा है क्योंकि बीजेपी को 10 साल मौका दे दिया है, लेकिन ये भैया कह रहे हैं कि कोई भी पार्टी हो हमारे लिए धर्म दिमाग में घुस गया है। हाँ भैया जाग गए? नहीं बोलोगे? अरे कुछ तो बोल दो। देखिए कुछ लोग हैं वो बोलना भी नहीं चाहते हैं, और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, वोटर कई बार खुलकर बोलता है, वोटर कई बार साइलेंट रहता है, लेकिन मौजूदा समय में जो नू और मेवात का इलाका है वहाँ पर एक बात निकल कर आई कि सरकारों ने बहुत घोषणाएं की, लेकिन सरकारों की घोषणाएं सिर्फ घोषणाएं ही रह गई हैं, धरातल पर वो उतर नहीं पाई हैं। ऐलान भी किया गया, एग्जीक्यूट भी करने की कोशिश की गई, लेकिन वहाँ पर जो आम व्यक्ति है वो कह रहा है कि हमें ऐसा नहीं दिखता है।